ओवैसी ने कहा है जो शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी ठंड में, उन लोगों को वो सैल्यूट करते हैं। वो सैल्यूट इसलिए करते हैं कि उनकी भी मंशा वही है, और जो वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी मंशा वही है। वह भी सिर्फ देश तोड़ने की बात करता है, और ये भी बच्चे देश तोड़ने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वही मानसिकता है। और यह देश बांटने के लिए, ये इस देश में गजवाए हिंद करने के लिए वहाँ से फरमान आता है। इनको पैसा आ रहा है चाइना से, पाकिस्तान से, यह करने के लिए। क्यों यह आंदोलन JNU, जामिया और अलीगढ़ में ही हो रहा है? सर आखिर कब बंद होगा ये जो दंगाई हो रही है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, आप देखा होगा काफी लंबे टाइम से चल के आ रहा है। नहीं, ये एक महीना हो गया, कल की घटना मैं बता रहा हूँ। एक मेरा मित्र था, उसको जो रास्ता 15 मिनट में वो चला जाता था, उसके बीबी की प्रेगनेंसी थी, वह टाइम पे नहीं पहुंच पाया। अपने घर पहुंचने में उसको 6 घंटा लगा, और उसकी बीबी का बच्चा रास्ते में हो गया। वह रो रहा था, जो गुबार फूट रहा है ना, वह अब उत्तर प्रदेश से लोग इस दिल्ली में आएंगे और रास्ता खाली करेंगे, और इनके पिछवाड़े पे लठ बजेगा, और जामिया और ये JNU दोनों खाली कराएंगे। और यह भागते भागते, भागने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी। अब धीरे धीरे जो देश में उबाल हो रहा है, यह बचेंगे नहीं। और इनको एक और रास्ता, एक और काम कर देना चाहिए, इनके पिछवाड़े पे दिल्ली पुलिस को लठ बजा के और बस में भर के और उत्तर प्रदेश योगी जी के अंडर में कर देना चाहिए, और हर छात्र की लिस्ट बना लेना चाहिए। जितना दिल्ली में नुकसान है, सारा नुकसान, एक एक पैसे का जो बस है या किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान है, सारा लिस्ट बचा के बना के और इनके बाप दादा को यहाँ बुला के और बैठा के और उनसे वह संपत्ति वसूल करना चाहिए। और बाकी जो ये आंदोलनकारी हैं, इनको उत्तर प्रदेश जेल में भेज के और जोगी जी को सुपुर्द कर देना चाहिए कि भैया इनको खूब ढंग से ठीक कर दो। आपके कहने का मतलब दिल्ली पुलिस फेल है जो जोगी के पास भेज दो? हा? सरकार तो सेंट्रल में भी मोदी की है ना, दिल्ली पुलिस फेल है फिर जोगी के पास भेज दो जाके? देखिए दिल्ली पुलिस फेल नहीं है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। एक सेकंड सर प्लीज, जो पिछले एक महीने से प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है, आप देखिएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये लोग सड़कों पे उतरे थे, NRC के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे। NRC जबकि आया भी नहीं है, सिर्फ असम में आया है। असम एकॉर्ड 1984 जो राजीव गांधी ने साइन किया उस हिसाब से आया था। जब लोग जागरूक हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तरफ, इसमें हमारे देश की कोई भी नागरिक से सिटीजनशिप, नागरिकता छीनने के प्रावधान नहीं है, देने के प्रावधान है, लोग समझ रहे हैं। तो इनका प्रोपेगेंडा जो चल रहा था लोगों को भड़का किसी भी तरीके से सड़कों पे लाना, वो धीरे धीरे उनका तख्ता पलट हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो एक तरीके से ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। किस तरीके से? विक्टिम कार्ड खेलने का। मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से। जब जामिया प्रदर्शनकारी हुआ था जामिया में, दिल्ली पुलिस ने जब घुसकर उनको मारा, तो देखा होगा आपने कि कितना बवाल खड़ा कर दिया था कि हमें मारा गया, विक्टिम कार्ड खेलने की, स्टूडेंट विक्टिम कार्ड खेला गया था। दूसरा पक्ष नहीं दिखा रहे पिछले एक महीने से, तुम साइन बाग में बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हो। प्रदर्शन करना, संविधान ने हमें अधिकार दिया, सड़क से लेकर संसद सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, लेकिन आपके साथ साथ मेरा भी तो अधिकार है। जो नोएडा से, जो ओखला से लोग जो जॉब करने गुड़गांव जाते हैं, उनको देखिए तो पूरा का पूरा वो ओखला जामिया रोड जो है पूरा का पूरा ब्लॉक कर रखा है। उनको एक एक घंटा ट्रैवल एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। वो लोग क्या उनका मानव अधिकार का क्या बोलते हैं, उनके पास नहीं है? संविधान ने उनको अधिकार नहीं दिया? आपको किसने अधिकार दिया है कि एक पक्ष को रोकने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आपको दूसरे पक्ष को क्या बोलते हैं उसको रोकने का अधिकार किसने दिया? तीसरी चीज देखिएगा, आपने जो यहाँ पे बच्चे जो मर रहे हैं, आपने देखा होगा 12 बच्चे मर चुके हैं, एम्बुलेंस को नहीं जाना दे रहा है। तो ये मैं जोड़ना चाहूँगा भाई साहब, आप कह रहे हो कि मानवता, इंसानियत, पहले आप खुद देखो, दूसरे के सिटीजन जो ह्यूमन राइट्स है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, Article 21 क्या कहता है, इक्वालिटी टू लीव, तो मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी जीने की अधिकार है। तुम एम्बुलेंस को रोक रहे हो, उसको अस्पताल जाने से रोक रहे हो, तो ये आपका प्रदर्शनकारी नहीं है, फॉरेन फंडेड, जो सिमी पॉपुलर फंड ऑफ इंडिया जो ये लोग हैं फॉरेन फंडेड, उनके हिसाब से चल रहे। और भाई साहब जो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का फेल है,
आपको मैं सिंपल से एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आज दिल्ली पुलिस कुछ जबरदस्ती करती है, आंसू गैस फेंकती है, ये जितने भी सॉरी प्रोपोगेंडा गैंगिस्ट है वो कल लेकर आ जाएंगे, कहेंगे देखो स्टूडेंट प्रदर्शनकारी कर रहे थे शांतिपूर्ण, ये लोग हटवाने के लिए आंसू गैस छोड़ दिया गया ताकि इनको हटा दिया जाए। आप मुझे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए, आप जो कह रहे हो दिल्ली पुलिस फूल हो गया, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ सर, क्या करना चाहिए आपके मत में, क्या है इनको प्रदर्शन? जैसे मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस सिर्फ फेल हो चुकी है, उन्होंने कहा कि यूपी वाली पुलिस के पास भेज दो, तो फिर उस टाइम मैं कह रहा हूँ पुलिस तो वहां पे भी सेम है, ठीक है, क्या वो भी जहां पे भी पुलिस तो सेंट्रल के कंट्रोल है, वहां पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फर्क क्या है यहाँ की पुलिस और वहां की पुलिस में? और क्या वहां पे आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाएंगे? तो तब ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। और जो प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का सिर्फ जेएनयू में नहीं हुआ है, पूरी ऑल ओवर इंडिया 50 प्लस यूनिवर्सिटीज में हुआ है, यूपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। मैं आपको करेक्ट करूं, 50 प्लस नहीं हुई थी, 22 22 कॉलेजेस हुई थी, सॉरी सर 22 22 समर्थन सीए के विरोध में 22 यूनिवर्सिटीज में हुए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ में 350 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से केवल 22 हुई थी ऑल ओवर इंडिया, 22 में नहीं हुआ, 22 हुई थी ना, नहीं हुआ कहाँ पे, यूपी में नहीं हुआ, हुआ है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, तो सिर्फ आप दिल्ली से मत जोड़िए, इसको सीए के साथ जोड़िए, और फीस बढ़ोतरी के लिए जेएनयू से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ना के सीए के लिए, ठीक है, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, देखिए फीस के लिए हुआ था, एक सेकंड, फीस के लिए हुआ था, फीस तो रोल बैक हो चुका है, तो ये जेएनयू में, एक सेकंड मैं आपको जवाब दूंगा, रुकिएगा एक सेकंड, फीस रोल बैक हो चुका है सर, हो चुका है, आपको डिटेल जानकारी नहीं होगी, फीस रोल बैक हो चुका है, आप जानकारी लेकर आइएगा, पहले हो चुका है सर, फीस अगर मान लो रोल बैक हो चुका है, इसके बाद इन्होंने सीए ला दिया, नहीं शेयर कीजिए, पहले आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि भाई साहब ये अलीगढ़ और इसमें जो यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं, यह फीस बढ़ोतरी के लिए लग रहा है, हिंदू तो तेरी कबर खुदेगी, सर बीजेपी खुद हिंदुत्व वाला ये मुद्दा बना रही है, ना के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता कि देश इसके सही बोल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कि हिंदू के लिए मुस्लिम के लिए कोई भी स्टूडेंट, एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी वाले हैं वो, तू भी पैसे लेता था क्या भाई, खुद वीडियो आई है, आरएसएस वाले जींस पहन के नहीं जाता, कोई भी पुलिस वाले जींस पहन के नहीं जाते, दिखा देता हूँ वीडियो, या एक मिनट, वो स्टूडेंट पकड़ के दिए क्यों नहीं, अगर वहाँ नारा लग रहा था हिंदू तुका, तो वो स्टूडेंट पकड़े क्यों नहीं, क्यों नहीं पकड़े भाई साहब, एक मिनट, क्यों नहीं पकड़े, एक मिनट, इसका जवाब दे दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए, अगर मान लीजिए इस बीच में कोई देशद्रोही आके नारा लगाता है, तो भाई साहब आपने पकड़ा क्यों नहीं, इसका जवाब दे दीजिए मेरे को, दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना, आपने कहा दिखाओ, मेरा सवाल चाहिए बस, मैं, अरे सुनो तो, आप ऐसे करोगे, मेरा सिंपल सा कहना, इनको जो वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल होना, दिल्ली पुलिस को बदनाम करना, मनीष सिसोदिया, एक सेकंड सर प्लीज, मनीष सिसोदिया ने एक फेक वीडियो डाला था, वो फेक हुआ था, उसके खिलाफ इन्होंने एक भी ट्वीट करके माफी तक नहीं माना है, तो ये वीडियो बता रहे हैं, वीडियो फेक भी हो सकते हैं। दूसरी चीज जो कह रहे कि सुनिएगा, जो ये कह रहे कि भाड़ा कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं सिंपल से जवाब कहना चाहता हूँ कि आप जब प्रदर्शन करते हो, स्टूडेंट प्रदर्शन करते हैं, तो उनके हक अधिकार क्या होना चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड होना चाहिए, जब आप राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हो, सीए एनआरसी के खिलाफ आप सड़क में आ रहे हो, तो आपको लाठी भी झेलना पड़ेगा, आपको जब लठ मिलती है वो भी झेलना पड़ेगा, ये मान के मत चलिए कि मैंने क्रांतिकारी करने के लिए सड़क में आया हूँ और लाठी नहीं पीऊंगा, ये नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, एक और चीज, जो प्रदर्शन हुआ था जामिया में, सुनिएगा, दो लड़कियां जिनके अंडर में ये जामिया वाले प्रदर्शन कर रहे थे, उनका नाम आयशा लदीदा, इनका बैकग्राउंड बताइए, ये क्या कहते हैं, मैं जिहाद को सपोर्ट करता हूँ, इस्लाम को समझना है तो जिहाद को पहले सपोर्ट करो, जिहाद में एक सेकंड सर, बच्चे पकड़े क्यों नहीं उनको, वो तो मोदी भाई साहब जो नारे लगा रहे थे, जो फूक हिंदू तो फूक के नारे अगर मोदी के भक्त लगा रहे थे, जब तो जब क्यों नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम के दायरे में देश को बांटना चाहिए, तो नारे पकड़ा क्यों नहीं, एक पकड़े हुए आदमी को दिखा दीजिए, अगर अलीगढ़ में नारे लगा रहे थे भाजपा वाले, हिंदू तो तेरी कबर खुदेगी, है ना, हिंदू तो फूक हिंदू, तो अगर नारे लगा रहे तो उसमें स्टूडेंटों ने क्यों नहीं उनको पकड़ के कहा कि देखिए देश विरोधी नारे लगा रहे, इसका जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए, एक मिनट जवाब दीजिए, मेरे स्टूडेंट क्यों पकड़े, अगर मान लीजिए आप प्रोटेस्ट का काम कर रहे हैं फीस के लिए, वहाँ कोई दूसरा आके अगर देश विरोधी नारा लगाता है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है ये बताइए,
को पकड़ के मारो भाई। देश विरोधी नारे नहीं लगे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा है? अलीगढ़ में नहीं लगा है? हिंदू तो तेरी कब्र खुदेगी ये अलीगढ़ धरती पर, अलीगढ़ नहीं लगा है? ऐसे तो मैं भाई, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, क्या सर आपने उस पुलिस वाले को तो ढूंढ ले कि उसने जीन्स पहने, लेकिन आपने ये वीडियो पता चला कि आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ये नहीं पता? ऐसे लोग होते हैं, क्यों होते हैं कौन चला रहे सर इनको, कौन आगे भेजो उनको, वही तो कह रहा हूँ, वही कर रहा है ना। एक सेकंड पकड़ा नहीं पुलिस, पकड़े उनको जाके, तो वही तो क्या योगी पुलिस, योगी जी ने क्या किया उनके खिलाफ, जब एक्शन लिया गया तो उनके खिलाफ बचाव में अगले से ज्यादा आता है, आम आदमी पार्टी आता है। आम आदमी पार्टी ने तो क्या कर दिया, दंगाई को सरकारी नौकरी देख के उनको तो तनखा भी दे दिया, कितना बड़ा कम्युनल कर दिया। आप ये नहीं देख रहे हो, पर ये देख रहे हो कि उनको पकड़ो, जब पकड़ते उनको कार्रवाई करते तो प्रोपेगेंडा लेते कि भैया ये तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट विक्टिम कार्ड खेलते हो, ऐसे थोड़ी होगा। अगर आपको प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण तरीके से करो, आपको कोई अधिकार नहीं है सरकारी संपत्ति को जब्त करना, सरकारी संपत्ति को आग लगाना, आपको कोई अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि आप जो बाहर से पाकिस्तान अफगानिस्तान से वहाँ से हिंदुओं को यहाँ ला रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी पहले हमारी हिंदुओं से परेशानी है क्या? उसके लिए भाई मैं आपको बता दूं, सुन, उसके लिए हिंदू वर्ड ना यूज करने के बजाय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आप एक कम्युनिटी के प्रताड़ित व्यक्तियों को वो शरण दे रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया, और उसमें खाली हिंदू नहीं है, और भी दो तीन धर्म है। जानकारी पूरी रखा करो। मैं बताना चाहूंगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे देश की नागरिक है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन है, कोई भी हो, कोई लेना देना ही नहीं है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 के 31 दिसंबर 2014 तक हमारे देश में आ चुके हैं, उनको नागरिकता दिया जा रहा है, कोई रातों रात बुलाया नहीं जा रहा है, लाया नहीं जाएगा। और तीसरी चीज, एक सेकेंड सर, जो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जब हमारा देश अखंड भारत था और उसके बाद जब बटा है, यहाँ पे अल्पसंख्यक पाकिस्तान में 23% थी, आज 1% है, बांग्लादेश में 30% थी, आज 7% है, तो ये लोग गए कहाँ पे सर? आप जवाब दीजिए, गए कहाँ पे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान की सर, पाकिस्तान में नानक सर में जो दंगा हुआ था, वहाँ पे देखा होगा, एक सिख लड़की को जबरन अगवा करके उनको मुस्लिम बनाया जाता है, और जब वो वापस घर आता है तो वो कहते कि हम सिख का जो गुरुद्वारा है उनको रहने नहीं देंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। आप मुझे बताइए, ऐसे ऐसे घटना होने के बाद भी वो लोग जब यहाँ पे आ रहे थे, उनको नागरिकता नहीं देंगे?